अद्भुत दंड। प्रस्तुत पाठ में एक विशेष प्रकार के दंड का वर्णन किया गया है। राजा सुकेतु ने ब्रह्म ऋषि को बिना अनुमति फल तोड़कर खाने के बदले उन्हीं फलों की गुठलियों को नगर की सीमा पर बोने का दंड देकर न्यायप्रियता, वृक्षारोपण और परोपकार का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। खुद में वो बदलाव कीजिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी। राजा सुकेतु का यश चारों ओर फैला हुआ था। उनके राज्य में प्रजा प्रसन्न थी। वे साधु संतों का बहुत सम्मान करते थे। नगर में जहां तहां कुएं, बावड़ी और आश्रम थे। नगर भर में फलों के पेड़ थे। सरोवरों में कमल खिले रहते थे। राज्य में बहने वाली सुखदा नदी निर्मल जल से भरी रहती थी। नदी के दूसरी ओर घना जंगल था। वहां दूर दूर तक कुछ मुनियों के आश्रम थे। इन्हीं आश्रमों में एक आश्रम था ऋषि आद्री का। आद्री ऋषि अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। वे अपने आश्रम में अकेले ही रहते थे। एक बार की बात है कि ब्रह्म ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां से गुजर रहे थे। सूरज ढलने वाला था। ऋषि ने सोचा आज रात आश्रम में ही बिताई जाए। ब्रह्म ऋषि और उनके शिष्यों ने आश्रम में सब तरफ देखा। उन्हें वहां कोई भी दिखाई न दिया। बिना किसी की अनुमति के वहां रुकना ऋषि को ठीक नहीं लग रहा था। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। कोई अन्य उपाय न देखकर उन्होंने अपने शिष्यों को वहीं विश्राम करने की आज्ञा दी। शिष्य दिन भर की थकान और भूख से बेहाल थे। ऋषि की आज्ञा पाकर उन्होंने पेड़ों से फल तोड़कर खाने आरंभ कर दिए। देखते ही देखते गुठलियों का ढेर लग गया। इतने में आद्री ऋषि वहां आ गए। ऋषि कुमारों को फल खाते देखकर वे आग बबूला हो उठे। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, मुनिवर, किसकी आज्ञा से आपके शिष्यों ने फल खाए? ब्रह्म ऋषि ने आद्री ऋषि को प्रणाम किया और बोले, ऋषिवर, मेरे शिष्य भूखे थे। आज्ञा देने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। आप जानते हैं कि स्वामी की आज्ञा के बिना कुछ भी लेना चोरी माना जाता है। आपने अपराध किया है। आप राजा सुकेतु के अपराधी हैं। आद्री ऋषि ने इतना कहकर कमंडल उठाया और कुटिया के भीतर चले गए। रात भर ब्रह्म ऋषि सो नहीं पाए। वे सोचते रहे अनजाने में उनसे भारी अपराध हो गया। इस अपराध के बोझ को परलोक तक ले जाने से अच्छा है कि इसका दंड भोग लिया जाए। दंड भोगने से पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही ब्रह्म ऋषि राजा सुकेतु के दरबार में पहुंचे। ऋषि को दरबार में देखकर राजा ने आसन से उठकर उनके चरण छुए और बोले, मुनिवर, आप आसन ग्रहण कीजिए। कहिए, क्या आज्ञा है? राजन, मैं आसन ग्रहण नहीं कर सकता। मैं आपका अपराधी हूं। मेरे शिष्यों ने बिना अनुमति लिए आपके फल खाए हैं। आप मुझे दंड देकर इस अपराध से मुक्त कर सकते हैं। ब्रह्म ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा। राजा सुकेतु बोले, ऋषिवर, भला मैं आपको दंडित कैसे कर सकता हूं? राजन, अपराध का दोष तो दंड भोगने से ही समाप्त हो सकता है। अन्यथा मेरी समस्त तपस्या पर पानी फिर जाएगा। एक अपराध भी असंख्य सुकर्मों का नाश कर सकता है। मैं अपना सारा तप व्यर्थ नहीं करना चाहता। आप मुझ पर कृपा करें। ब्रह्म ऋषि ने कहा, ऋषिवर, मैं आपकी आज्ञा अनुसार आपको दंड देता हूं कि आज सूर्य ढलने से पूर्व आप और आपके शिष्य अपने खाए फलों की गुठलियों को नगर की सीमा पर रोप दें। उन गुठलियों से पौधे निकलेंगे, वे बड़े होंगे
उन वृक्षों पर लगने वाले फलों में आपका आशीर्वाद भी होगा। राजा सुकेतु ने यह कहकर ब्रह्म ऋषि के चरण छुए। ब्रह्म ऋषि और उनके शिष्यों ने नगर सीमा पर फलों की गुठलियां बोई। राजा सुकेतु ने उनके इस कार्य में मदद की। राजा ने वृक्षारोपण के बाद ऋषि और उनके शिष्यों को भरपूर दक्षिणा दी। ऋषि ने राजा को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए।